अशोक परमार जी सन 2022 ऐसा ऐसा करेंगे दो बार देंगे। अशोक परमार जी कमिश्नर सेक्रेटरी 2022, ये रहे मई जून जुलाई अगस्त। एक केस रजिस्टर हुआ FIR नंबर 23/2016 केस रजिस्टर था। सब लोग आज कह रहे हैं कि हम 4 तारीख से लेकर के 10 तारीख तक कई करप्शन वीक मनाने का प्रयास कर रहे हैं। अरे अंदर करप्शन फंसी हुई है यार। ये अशोक परमार जी से पूछना चाहता हूँ, ये परमार जी आपके कार्यकाल के अंदर, आपके कार्यकाल के अंदर 23/2017 बंदा हिमेश मनचंदा एट प्रेजेंट चीफ इंजीनियर जम्मू, इसके खिलाफ एक FIR दर्ज हुई है। वो जो FIR दर्ज हुई है केस, उसके अंदर घपला है 1,45,03,522 रुपए। जब ये श्रीमान जी आए, इन्होंने एक चार्ज उसको नहीं दिया। चीफ इंजीनियर PHE, चीफ इंजीनियर इरिगेशन, चीफ इंजीनियर रावी तवी, अरे उसके खिलाफ केस था। और केस कितने का था? 1,45,03,523 रुपए का। आपने केस नहीं देखा, आपने विजिलेंस रिपोर्ट नहीं ली, आपने नो विजिलेंस सर्टिफिकेट नहीं लिया। आप कहते हैं भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे। आपके टेनर के अंदर एक बंदा जिसके ऊपर आरोप है 1,45,03,522 रुपए का, उसके खिलाफ 23/2016 केस रजिस्टर है VOG में। आपने नहीं देखा, वो भ्रष्टाचारी नहीं था? भ्रष्टाचार लप लप के अंदर जमा हुआ था। कितने कितने केस जमा हुए, कितने कितनी व्यवस्था बनी, मैं इसको आत्मचिंतन करने का प्रयास करना चाहता हूँ। बड़ा स्पष्ट करने की बातें कर रहा हूँ, आरोप लगा रहा हूँ। अगर कोई समझे ये आरोप गलत है तो मेरे खिलाफ डेफामेशन केस कोर्ट के अंदर फाइल करें। लेकिन नारे लगाना, व्यवस्था करना, 4 से लेकर के 10 तारीख तक मैंने केस दिया सरकार को। ये केस है, इसके कार्यकाल के अंदर हुआ और ये बंदा इन्वॉल्व है। ये आज भी प्रेजेंट चीफ इंजीनियर है भाई। सरकार बताए 4 से 10 तक क्या कार्रवाई करेगी। ये जो बंदा जिसका नाम अशोक परमार है, जो लेटर लिखता है, चिट्ठियां लिखता है, भ्रष्टाचार, अरे भाई साहब 900 करोड़ की अभी पाइप खरीदी गई, वो पाइप कहाँ डंप है।